हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमांशु रंजन। टुडे आई केम विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। ओके, और इसी कोल इंडिया लिमिटेड का ही मैंने जो जीके पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन है, मैथ पोर्शन है, और फिर ये जो रीजनिंग का पोर्शन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आज तो कोल इंडिया लिमिटेड का आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। इससे पहले मैं और भी जो भी बहुत सारे कंपनी है उसका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, MCQ जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले इस कंपनी का, कोल इंडिया लिमिटेड का। तो और भी जो अदर्स कंपनी है, अगर देखना है आपको और अदर कंपनी का भी जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि MCQ टाइप ही होता है, सभी कंपनी का तो MCQ टाइप ही लगभग होता है एग्ज़ाम, तो उन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अदर्स कंपनी का भी अपलोडेड है। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, मेरे क्लासेस से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, हिमांशु रंजन क्लासेस। ओके, वहाँ से आप मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड इफ़ यू वांट एनी सजेशन फ्रॉम मी, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। व्हाइल कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट कंप्लीटेड ओब्लिक प्रोडक्शन यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछ रहा है कि कौन है जो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन इसमें चार स्टेटमेंट है उसमें इनकरेक्ट है। पहले देखिए, इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ओपनिंग WIP इज कैलकुलेटेड अंडर FIFO मेथड। ये सही है, जो भी इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ओपनिंग WIP होता है ना, वो कैलकुलेट होता है अंडर FIFO मेथड। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कैलकुलेट होता है। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ओपनिंग WIP इज नॉट शोन अंडर नोट सोन सेपरेटली अंडर एवरेज मेथड। ओके, ये भी सही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि भी व्हाइल कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट कंप्लीटेड ओब्लिक प्रोडक्शन यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें। ओके, तो फॉर नॉर्मल लॉस नो इक्विवेलेंट यूनिट इज कैलकुलेटेड। ओके, तो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन डी है। ठीक है, अब नॉर्मल गेन जो होता है, अब नॉर्मल गेन इज ट्रीटेड एज 50% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्टमेंट, तो बिल्कुल गलत है, एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन इज ट्रीटेड एज 50% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्टमेंट, तो ये गलत है, तो हो गया फर्स्ट का ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है कि द रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर थ्री हेड। ठीक है, द रीजन फॉर इम्प्लॉय टर्नओवर, जैसे जो लेबर टर्नओवर होता है एक कंपनी में, ठीक है, तो क्यों होता है, तो आपको तो पता है कि जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि पर्सनल कॉसेस के कारण भी लेबर टर्नओवर होता है, अनअवॉइडेबल कॉसेस के कारण भी लेबर का टर्नओवर होता है, और अवॉइडेबल रीजन के कारण भी होता है। ठीक है, ये तो ठीक है नॉर्मल, बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज पर्सनल कॉज, कौन है इसमें जो चार ऑप्शन दिया होता है, इसमें चार ऑप्शन में कौन है जो कि पर्सनल कॉज है, जिससे कि लेबर टर्नओवर या चाहे इम्प्लॉय टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ है। ठीक है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ है, मतलब बीमार पड़ गया एक जो वर्कर है, बीमार चाहे एक इम्प्लॉय है जो बीमार पड़ गया, तो उसके कारण उसको कंपनी को छोड़ना पड़ रहा है, तो वो पर्सनल कॉज के अंदर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछा था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज पर्सनल कॉज, तो पर्सनल कॉज के अंदर आएगा प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का हो गया ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चार ऑप्शन में बताओ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन आता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है रिडेम्पशन ऑफ शेयर। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर होता है वो
फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन सी, रिडेम्पशन ऑफ शेयर इज कमिंग अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इज टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर विच विल इम्प्रूव कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एमंग डिफरेंट इंटरप्राइज फॉर द सेम पीरियड एंड एमंग डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉर द सेम इंटरप्राइज। तो ये जो कंपेरिजन होता है करवाता है, तो वो हम जो अर्निंग पर शेयर का वो होता है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, AS20 इज टू प्रिस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ EPS विच विल इम्प्रूव कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एमंग डिफरेंट इंटरप्राइज फॉर द सेम पीरियड एंड एमंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉर द सेम इंटरप्राइज। तो AS20 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ऑप्शन सी AS20। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए फाइव क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट रूल्स 2019 एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन ईच ईयर अपलोड यूनिफाइड एनुअल रिटर्न। ठीक है, अपलोड यूनिफाइड एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर डी। ठीक है, फॉर्म नंबर डी ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गिविंग इन्फॉर्मेशन एज टू द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अमेंडमेंट आया था 2019 में, एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑन बिफोर फर्स्ट फरवरी इन ईच ईयर अपलोड करना पड़ता है यूनिफाइड एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर डी में। ठीक है, डी में ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गिविंग इन्फॉर्मेशन एज टू द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो फर्स्ट फरवरी होगा। ठीक है, आंसर इसका आंसर होगा फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इसमें से चार ऑप्शन में कौन है? तो नॉर्मल लॉस होता है जैसे कि यहाँ पे है कि लॉस ड्यू टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट लॉस, जैसे मॉइस्चर के कारण कुछ लॉस अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल लॉस के कारण होता है, नॉर्मल लॉस ही है, क्योंकि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जितना भी करोगे तो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। तो ये नॉर्मल लॉस के अंदर आएगा, लॉस ड्यू टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट इज कमिंग अंडर द नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया ए, अंडर प्रोसेस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग इज रिगार्डेड एज नॉर्मल लॉस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉस ड्यू टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू जॉब कॉस्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से बताओ कि कौन इसमें स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग क्या होता है कि किसी एक जॉब से रिलेटेड उसका कॉस्टिंग निकालता है। ठीक है, तो पूछा कि कौन चार स्टेटमेंट में जो गलत है, जॉब कॉस्टिंग को कंप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल इन इन्फ्लेटरी कंडीशन, तो ये गलत है। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर इन्फ्लेटरी कंडीशन। ठीक है, तो सुटेबल नहीं होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉब कॉस्टिंग इज कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल इन इन्फ्लेटरी कंडीशन, तो एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, Does is the Company Act 2013 deal with the power and duty of auditor and auditing standard? Power and duty of auditor and auditing standard वो है under section 143 of the Company Act 2013 जो है, जो वो deal करता है power and duty of auditor and auditing standard। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 बोलता है कि द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नॉर्मली कवर द फॉलोइंग आइटम। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बोलता है कि नॉर्मली कवर कौन कौन सा आइटम को कवर करता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही, अगर ये इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस क्लेम है, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे तो CA या CMA इंटर में, तो ये चैप्टर है, तो उसमें से एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नॉर्मली कवर द फॉलोइंग आइटम, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में लॉस ऑफ प्रॉफिट भी तो आएगा ही, स्टैंडिंग चार्जेस आया था, जैसे कि नॉर्मली स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि रेंट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिजनेस बंद हो गया फिर भी, बिजनेस कुछ दिन के लिए बंद भी है तो फिर भी तो स्टैंडिंग चार्जेस, रेंट हो गया, रेट्स हो गया, इंप्लॉय का पेमेंट करना, डिप्रिसिएशन चार्जेस, जो फिक्स्ड एसेट है वो तो होता ही है ना, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, एनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये सब आना ही आना है। तो द लॉस ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली कवर द फ्लोइंग आइटम, तो ओनली ABC, मतलब ABC होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ए ऑप्शन, 9 का ए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए जेनरिक कंसिडरेशन बिफोर सोर्सिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा 10 का ए, बिजनेस ऑफ कंपेटिटर। ठीक है, 10 का ए हो गया। आगे बढ़ो, 11 देखो। इन रिलेशन टू द कंडीशन फॉर द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विथ ए डिफरेंशियल डिफरेंशियल राइट, द शेयर विथ डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड। ठीक है, तो इसका अभी आंसर है 74% हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर अभी 74% हो चुका है, अमेंडमेंट आया है। ठीक है, तो इसमें 74% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू एंड पेड अप इक्विटी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 74 या 77 ऐसे कुछ है, 74 या 77, ठीक है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर 74 या 77% कुछ है, 26% नहीं है, 26% अमेंडेड हो चुका है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें अमेंडमेंट आ चुका है। 12 देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें से कौन स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट मतलब गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी है। हम लोग देखिए, हम लोग का सिर्फ मोटिव, मेरा मोटिव इतना ही है कि आप लोग को क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन देख करके आप समझ सको कि क्या आप लोग का कमी है, मतलब कि क्या आपको नहीं आता है, तो उस चैप्टर पे आप चाहे उस पेपर पे आप मेहनत करो। तो मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को भी आइडिया मिल पाएगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने से ही पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं कौन सा चैप्टर्स या कौन सा पेपर मेरे को अच्छा से आता है, कौन सा पेपर में मुझे मेहनत करना है। तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाने का मेरा मोटिव यही है। ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे आगे कवर अप करता हूँ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्राइवेट पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन इसमें जो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट गलत दिया हुआ है चार स्टेटमेंट में, तो सी इज द स्टैंडर्ड डील विथ टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नरी आइटम प्राइवेट पीरियड आइटम चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट एस्टिमेट्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर विच अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट विच पी हैव टू बी मेड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। आइडल टाइम होता है ना, आइडल टाइम नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, जो आइडल टाइम होता है नॉर्मल भी हो सकता है चाहे एबनॉर्मल भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम के अंदर ये चार ऑप्शन में कौन आएगा, तो दो जो टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन ही खराब हो गया तो उसमें तो वर्कर तो बैठना दम उसको तो जरूर मतलब क्या करेगा, उसको कुछ काम ही नहीं, उसको क्या करेगा, जब मशीन चल ही नहीं रहा तो काम कैसे करेगा, तो मजबूरी में वर्कर बैठ जाता है, तो वो एक आइडल टाइम के अंदर आता है, तो वो एब नॉर्मल आइडल टाइम के अंदर आएगा। बीच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिगार्डेड एज एब नॉर्मल आइडल टाइम, द टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 देखो, 14 14 बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इनकम मीन्स नॉट एन एग्जेम्प्टेड इनकम। कौन इसमें जो एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है, तो ये जो ऑप्शन सी है कि मेडिकल अलाउंस रिसीव्ड बाय एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेडिकल अलाउंस जो रिसीव करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, डेट मीन्स के टैक्सेबल है। ठीक है, टैक्सेबल है, आई थिंक सो 15,000 रुपये तक टैक्सेबल हो, जितना भी आप खर्चा करिए आपको 15,000 रुपये तक ही गवर्नमेंट देता है। ठीक है, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ो, 15 देखो, 15 है, बोलता है कि डैश इज लेव्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। IGST लगता है, इम्पोर्ट कुछ भी करते हो गुड्स या सर्विस उस पर IGST लगता है। ठीक है, 15 का हो गया सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 बोलता है कि डैश डील्स विथ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 डील्स विथ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, आगे 16 का हो गया ऑप्शन सी, AS1। 17 देखो, डैश रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ फर्म फाइनेंशियल लीवरेज। कौन सा रेशियो है जो कि फर्म का फाइनेंशियल लीवरेज का इंडिकेटर करता है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट बाई इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेट बाई इक्विटी रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ फर्म फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट में कौन स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है मतलब गलत है। तो ये जो लेबर रेट का जो लेबर रेट वेरियंस जो दिया हुआ है, लेबर मिक्स वेरियंस प्लस लेबर लीड वेरियंस, ये गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, 18 हो गया। 19 देखो, 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 पर हो।
क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन इसमें है जो गलत है, चार चार ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है फॉर्मूला प्रॉफिट बाई पी वी रेशियो, देखो ये सब बनाया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन में सेलमैन वेरिएबल कॉस्ट, और ये देखो पी वी रेशियो, पी वी रेशियो क्या होता है कि चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल, बट यहाँ पे उल्टा दिया हो तो गलत है। ठीक है, तो 19 का हो गया ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स, गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी, तो मतलब 19 का हो गया ऑप्शन सी, आगे बढ़ो, 19 का ऑप्शन सी, 20 पर हो, 20 अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर शैल नॉट एग्जीड, अंडर राइटिंग कमीशन जो इश्यू ऑफ शेयर पे होता है शैल नॉट एग्जीड, कितना ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है वो, 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर आर इश्यूड, ठीक है, 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर आर इश्यूड, यही अगर अंडर राइटिंग कमीशन बोलता फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर तो 2.5% होता, बट यहाँ पे अगर शेयर के लिए बोला, इश्यू ऑफ शेयर के लिए बोला अंडर राइटिंग कमीशन, तो 5% ऑफ द प्राइस एट विच शेयर आर इश्यूड, ठीक है, तो 20 का हो गया बी, ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए लीगल रूल फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिलेटिव एंड क्वालिफाइड है, तो ये गलत है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए लीगल रूल, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिलेटिव एंड क्वालिफाइड एक गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो क्वेश्चन 21 का डी हो गया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोलता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 प्रोवाइड डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एन एम्प्लॉई इन हिज पेंशन अकाउंट शैल बी द मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी तक ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ हिज सैलरी, तो 22 का ऑप्शन ए हो गया, 22 का ए 10% ऑफ हिज सैलरी। 23 देखो, 23 देखो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, वीडियो इतना मैं मेहनत करके लिए आप लोगों के लिए, मैं PSU का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ कि जिससे कि ये हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक अवेयर नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है PSU में, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके क्वेश्चन पेपर जहाँ भी से भी हो लाकर आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर करके आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग बस इतना ही काम करिए कि वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा, तो और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियो से, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं देखिएगा जब तक कैसे प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से चार है, कौन ऐसा स्पेसिफिक एक्ट है जिसको अपना प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो अपना पीएल बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट है ना, इसलिए तो इंश्योरेंस कंपनी होगा, क्वेश्चन 23 का हो गया ऑप्शन डी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विथ रिस्पेक्ट टू AS 13 रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, AS 13 जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है इसमें चार स्टेटमेंट कौन है जो गलत है, AS 13 के अंदर नहीं आता है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस इंटरप्राइज, तो ए ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस इंटरप्राइज, तो एक गलत ऑप्शन है, तो 24 का हो गया ऑप्शन डी, इनकरेक्ट ही पूछा था तो इनकरेक्ट ऑप्शन यही वाला है, ठीक है, जो कि AS 13 का कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है, तो क्वेश्चन 24 का हो गया ऑप्शन डी, देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रखेंगे और आगे का जो क्वेश्चन पेपर है हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस करेंगे, जैसे किया हुआ कि आप लोग भी एक बार में धीरे धीरे करके देखो ताकि आप इजीली कवर अप कर सकते हो, एक ही बार में अगर आप 100 क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा बर्डन हो जाता है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि 25 करके मैं डेली एक पार्ट अपलोड करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाना, ठीक है, तो चलिए आज देखिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आज का, वैसे तो 100 क्वेश्चन है फाइनेंस का, 100 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल, टेक्निकल 100 क्वेश्चन एंड नॉन टेक्निकल 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा हर डे 25 क्वेश्चन डेली आई विल अपलोड, ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसका 3 टाइप होता है, 3 टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें से कौन है जो सिंगल एंट्री सिस्टम का
टैप नहीं है। तो क्वासी सिंगल इंटेड सिस्टम टैप होता है, प्योर सिंगल इंटेड सिस्टम टैप होता है, सिंपल भी होता है। तो ये जो बेटेड सिंगल इंटेड सिस्टम होता है ये है जो टैप नहीं है, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सिंगल इंटेड सिस्टम, ठीक है। सी है ना, बेटेड सिंगल इंटेड सिस्टम में टैप नहीं होता सिंगल इंटेड सिस्टम का, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो गया ऑप्शन सी। आज हम लोग वीडियो यहाँ तक रखते हैं, वीडियो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो और कोई भी पीडीएफ चाहिए होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू।